और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देश के मेंटोर कार्यक्रम में। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन हो रहा है। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन टीम, तो दिल्ली में इस वक्त एक कार्यक्रम चल रहा है। देश के मेंटोर कार्यक्रम में केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और केजरीवाल वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। बच्चों को अच्छा इंसान बनना सिखा रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, ये कहा है केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे, देखिए आप, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, केजरीवाल पहुंचे हैं, कई और भी स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। बड़ी नीड्स होती हैं, उसकी जरूरतें होती हैं। एक उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, वो जिंदगी में बड़ा हो रहा है टीन एज के अंदर, उसके ऊपर किस्म किस्म के प्रेशर होते हैं, अपने बच्चों के, पेरेंट्स के, भाई बहन के, आसपास के पड़ोसियों के, क्लास के बच्चों के, टीचर्स के, और वो कई आज की आधुनिक जिंदगी के अंदर वो कई सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए हम देखते हैं बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन, सुइसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको एक ऐसा बड़ा भाई, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसी बड़ी बहन मिले जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, जिसके साथ उसको ये डर ना हो कि ये मेरा मजाक उड़ाएगा, जिसके साथ वो सब कुछ अपने दिल की बात कर सके। और जब एक आम आदमी, एक बच्चा अपनी सारी दिल की बात किसी को बता देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, वो उस डिप्रेशन में से भी निकल जाता है, फिर वो उसको सुइसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उस मानसिकता से निकल जाता है। तो जो भी हमारे मेंटर्स बनेंगे, और मैं समझता हूं देश भर से बनेंगे, केवल दिल्ली के बच्चों को केवल दिल्ली के लोग ही मेंटर नहीं करेंगे, पूरे देश भर से। हमने ये ऐप बनाया है जिसमें देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं दिल्ली के एक बच्चे को, दो बच्चे को मेंटर करने के लिए तैयार हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको उस बच्चे को केवल 10 मिनट 15 मिनट रोज, जितनी देर वो बात करना चाहे उसके साथ फोन के ऊपर बात करनी है, और कुछ नहीं करना। दिल्ली आने की जरूरत नहीं है और कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक जरूरत तो है इमोशनल, और दूसरी जरूरत है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे मुकाम के ऊपर एक बच्चा खड़ा होता है जब उसे ये नहीं पता होता कि मैं जिंदगी में क्या करूं। कई सारे बच्चे होते हैं जिनका होराइजन जो है उनका सोचने का या उनका एक्सपोजर काफी कम होता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मुझे तो उन दिनों में था भाई या तो अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो तो या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। उन दिनों में पता होता कि रवि दहिया जी जैसे आदमी स्पोर्ट्समैन तो हो सकता है, थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेल लेते, पता होता सलोनी जी जैसे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, उनके जैसे म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, उनके जैसे आरजे भी बन सकते हैं, हो सकता है ये भी एक्सप्लोर कर सकते थे हम लोग। तो ये एक्सपोजर नहीं होता एक बच्चे को। तो अगर हमें अच्छे मेंटर मिलेंगे, वो हमें बता सकते हैं, देख बच्चे ये भी कर सकते हो, 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 सोच लो क्या करना चाहते हो, इसके ये फायदे नुकसान है, इसके ये फायदे नुकसान है, इसके ये फायदे नुकसान है। फिर बच्चा कहेगा मेरे को ये करना है, तो फिर मेंटोर उसको गाइड करेगा, देख ऐसे 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 इस रास्ते पे चलना, तो ये रास्ता है। तो ये दूसरी जरूरत है। तीसरा, एक उम्मीद करते हैं, हो सकता है सभी मेंटर्स के साथ ना हो, लेकिन एक उम्मीद है इस कार्यक्रम से कि वो मेंटर, जैसे अभी बड़ी अच्छी अच्छी मैं सुन रहा था, खासकर आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, कि वो मेंटोर जो है वो बच्चे को वैल्यू सिस्टम भी देगा, अच्छा नागरिक बनने में भी मदद करेगा। उसके सामने दो सबसे बड़ी नीड्स होती हैं, उसकी जरूरतें होती हैं। एक उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, वो जिंदगी में बड़ा हो रहा है टीन एज के अंदर, उसके ऊपर किस्म किस्म के प्रेशर होते हैं, अपने बच्चों के, पेरेंट्स के, भाई बहन के, आसपास के पड़ोसियों के, क्लास के बच्चों के, टीचर्स के, और वो कई आज की आधुनिक जिंदगी के अंदर वो कई सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए हम देखते हैं बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन, सुइसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं।